हाय फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इस चैनल पे पहले भी काफी सारी वीडियो बनाई है रोड ट्रिप को लेके, तो आज मैं आ चुका हूं एक बार और आपके लिए एक और रोड ट्रिप की इंफॉर्मेशन लेके। जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोज में बताया था आपको कि कुवैत से सऊदी कैसे जाए, कुवैत से बहरीन कैसे जाए और कुवैत से दुबई कैसे जाए, तो ये जो वीडियोस थी काफी अच्छा रिस्पांस आया था। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ और रोड ट्रिप प्लान की जाए और उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। तो उनसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी वो देख लीजिए, बिकॉज कोई भी हमें रोड ट्रिप करनी है तो उसमें हमें सऊदी अरब को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। उसके लिए सऊदी अरब का ई वीजा हमें चाहिए होता है, और हमें सऊदी अरब का ई वीजा किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ई वीजा के लिए, तो यहां पर जो थंबनेल है इस वीडियो का, इस वीडियो को जाके देखें, तो जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि सऊदी अरब का वीजा कैसे ले सकते हैं। और अब हम जैसे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि रोड ट्रिप फ्रॉम कुवैत टू जॉर्डन। यस, कुवैत टू जॉर्डन। तो पूरी बात की जाएगी, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस ट्रिप में, और इस ट्रिप में यह भी बताया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं अपने साथ और किस तरीके की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं, चीजें आपको बताते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सऊदी अरब का बॉर्डर हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तो सऊदी बॉर्डर पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, उसके लिए मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था। तो वो वाली वीडियो का थंबनेल यहाँ पे लगा रखा है, वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। उसके अंदर मैंने बता रखा है कि सऊदी बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए कुवैत से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप किस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं, और कार इंश्योरेंस कितना लगेगा, बाकी कितने पैसे लगेंगे, किस तरीके का होगा, वो पहले वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज सेम चीज आपको कुवैत टू जॉर्डन में काम आने वाली है। सबसे जरूरी चीज है आपकी कार, डेफिनेटली। तो काफी लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हम अपनी पुरानी गाड़ी ले जा सकते हैं जो 5 साल, 6 साल या 10 साल पुरानी है। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपकी गाड़ी को ले जाने से रोके, बेस्ड ऑन द पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी है। और पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी गाड़ी पूरी फिट होनी चाहिए, बिकॉज जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, और अगर आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप रोड ट्रिप का प्लान करें तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से थॉरली मैकेनिक को चेक करा ले, जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको फिक्स करा ले, और फिर उस रोड ट्रिप के लिए जाए। तो अब बात करते हैं कि कुवैत से जॉर्डन, बेसिकली अगर आप कुवैत से जॉर्डन जाते हैं, जो जॉर्डन की जो कैपिटल है अमान, तो वहां तक का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर, और आपको लगभग 15 घंटे लगते हैं इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको जरूरी चाहिए होगा जॉर्डन का वीजा। तो जॉर्डन का वीजा आप ई वीजा भी ले सकते हैं, और या फिर जॉर्डन का वीजा फॉर जीसीसी रेजिडेंस बिल्कुल ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब जितने भी जीसीसी रेजिडेंस है इंक्लूडिंग कुवैत, वो लोगों के लिए बॉर्डर पे आप आराम से जाके ई वीजा को आप मिल ले सकते हैं। तो सिंगल एंट्री जो ई वीजा है फॉर जॉर्डन का, वो 40 जॉर्डेनियन का पड़ता है, और उस वहां पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे वो आप अपने साथ में लेके जाए। और अब मैं बताता हूं कि उस वीजा को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और साथ ही साथ बिकॉज आप सऊदी क्रॉस करने वाले हैं कुवैत से, तो आपको सऊदी का भी ई वीजा लगेगा। इसके साथ साथ आपको कार का इंश्योरेंस लगेगा सऊदी बॉर्डर पे, जो 36 जॉर्डेनियन का पड़ेगा, और आपको देना पड़ेगा ट्रिप टिकट या फिर टोल रोड जिसे बोल सकते हैं आप लोग, वो 20 जॉर्डेनियन का पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको सऊदी का भी टोल, अगर रोड आप डेफिनेटली यूज करेंगे तो उसका भी आपको देना पड़ेगा ऑलमोस्ट 13 KD। तो ये सब कुछ था, और डेफिनेटली जब आप जॉर्डन पहुंचते हैं तो आपको एक जॉर्डन का सिम भी लेना पड़ेगा, जो आपको वहां पर ड्राइव करने में काफी मदद करे। तो
लगभग आपको वो आपको पड़ेगा 16 जॉर्डेनियन का, जिसमें आपको लगभग 20 GB का डेटा आपको मिल जाता है। तो आप वहां पर जेन का कार्ड ले सकते हैं, बिकॉज जेन की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है जॉर्डन में। बात करते हैं कि आप जॉर्डन बॉर्डर पे आपका कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। अब आप जब सऊदी की तरफ से जॉर्डन बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको सऊदी का बॉर्डर को से आउट करना पड़ेगा। तो आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल आसानी से आप सऊदी के बॉर्डर को आउट कर सकते हैं। और जब आप जॉर्डन के बॉर्डर पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट चेक पोस्ट मिलेगा, वहां पर आपसे उसको पासपोर्ट चेकअप चेक पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद आपको सेकंड स्पॉट पे भेज दिया जाएगा। सेकंड स्पॉट जो होने वाला है वो इमिग्रेशन का होने वाला है। वहां पर आपको अपनी गाड़ी पार्किंग में लगानी पड़ेगी और वहां पर इमिग्रेशन ऑफिस है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। और जब आप वहां पर जाते हैं तो आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए पहले वो सारे आपको दिखाने पड़ेंगे, तो उसके बेसिस पे वो लोग आपको बॉर्डर क्रॉस करने की अप्रूवल दे सकते हैं। और अगर आप अपने साथ वीजा ई वीजा कैरी नहीं कर रहे तो आप अगर चाहते हैं कि ऑन अराइवल वीजा, तो इमिग्रेशन ऑफिस पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और आपको वो वीजा मिल जाएगा आपके पासपोर्ट पे। और वहीं पर ही इमिग्रेशन ऑफिस के पास ही आपका आपको कार का जो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तो उसी के थोड़ी दूर ही कार का इंश्योरेंस का ऑफिस है। आप वहां पर जाएंगे और वहां पर आप अपने कार का इंश्योरेंस ले लेंगे। वहां पर आपको एक व्हाइट कलर का पेपर मिलेगा जिसपे रेड कलर का मार्क होगा, उस पेपर पे आपको जरूर स्टैंप लेना है इमिग्रेशन का। उसके अगर आप स्टैंप नहीं लेते और भूल जाते हैं तो आपको नेक्स्ट चेक पॉइंट पे आपको क्रॉस करने नहीं आ जाएगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। कई बार जो मैंने कई लोगों से पूछा है जो जॉर्डन जाते रहते हैं दोस्तों से, तो वो लोगों ने ही मुझे ये बताया कि कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गलती से वो लेके निकल जाते हैं तो उन्हें नेक्स्ट स्टॉप पे रोक दिया जाता है और फिर उन्हें वापस जाना पड़ता है। और उसी स्पॉट से ही आपको अपने कार का इंश्योरेंस भी लेना है। और इंश्योरेंस जो होगा, जो मैंने आपको पहले बताया कार इंश्योरेंस का, वो 36 जॉर्डेनियन का है, जो एक महीने का मिलता है, 1 month का मिलता है आपको, ठीक है, वो वहां पे लेना है। और साथ ही साथ जो ट्रिप टिकट बोलते हैं या फिर रोड टोल बोलते हैं, वो 20 जॉर्डेनियन का वहीं पे देना है। और उसके जो पेपर आपको मिलेंगे वो साथ में लेके आना है। उसके बाद आप जब लास्ट चेक पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें दिखानी है कि भाई आपका कि आप लोग वो जो आपने अपना कार का इंश्योरेंस ले लिया है, आपके पास ने आपने टोल पे कर दिया, वो सारा कुछ चेक करने के बाद, आपके पासपोर्ट चेक करने के बाद आपको वो लास्ट चेक पॉइंट से आपको जाने देंगे और उसके बाद आप जॉर्डन घुस जाएंगे। तो ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे, किस तरीके से आप आराम से जॉर्डन के बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी कई बार ऐसा देखा गया कि जॉर्डन में भी काफी स्कैम होते हैं, और जो लोग फॉरन बेसिकली वो गाड़ियां जो जॉर्डन की नहीं होती और दूसरी कंट्रीज से आती है, तो उन्हें लोग देख के कुछ स्कैम करते हैं। तो अभी अब मैं चाहूंगा कि उसको भी आपके साथ एक्सप्लेन करूं, लाइक कोई गाड़ी सऊदी से, कुवैत से या बहरीन से जब भी वो गाड़ियां देखते हैं, तो कई रोडों पे ऐसा देखा गया है कि कुछ लोकल लोग आपकी गाड़ी को पीछे से हिट करेंगे और गाड़ी को इस तरीके से हिट करेंगे कि उनकी गाड़ी को भी कुछ ज्यादा चोट ना है और आपकी गाड़ी को भी कुछ ना हो, और वो आपसे फाइट करेंगे और कोशिश करेंगे आपसे पैसे लेने के लिए। सो ऐसे अगर फ्रॉड में आप फंसते हैं तो कुछ ना करें, आराम से गाड़ी के अंदर बैठे और उन्हें बोले कि हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं, और पुलिस को कॉल करें। जैसे ही आप पुलिस को कॉल करके बोलेंगे, डेफिनेटली वो लोग भाग जाएंगे और आपको सॉरी बोल के निकल लेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि उनकी गलती है और वो स्कैम करना चाहते हैं आपके साथ। इस टाइप की जो चीजें थी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, बिकॉज कुछ जो दोस्त है मेरे, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था और उन्होंने देखा था काफी फ्रिक्वेंटली अमान से पहले, जैसे अमान से कुछ पहले जो खाली रास्ता आता है, ये ज्यादातर इंस्टेंट वहां पर देखे गए। तो मुझे लगा कि अपनी वीडियो में मैं ये स्कैम के बारे में भी आपसे डिस्कस कर लूं और इसको बता दूं, जिससे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और इस तरीके का कोई स्कैम हो तो आप उसमें फंसे नहीं और उन्हें पैसे ना दे। सो ये सब कुछ डिटेल है जो मैं आपसे बताना चाहता था इस वीडियो में। और भी अभी एक वीडियो खत्म नहीं हुई, और भी जॉर्डन पास करना, बेसिकली ये जॉर्डन पास होता क्या है और इसकी एडवांटेज क्या होती है, तो
जैसे बताया कि मैंने जॉर्डन पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल चीज है, बिकॉज आपको जॉर्डन जाने के लिए आपको जॉर्डन का वीजा तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप ई वीजा लो या फिर ऑन अराइवल लो, तो आपको 40 जॉर्डेनियन तो देने ही है, ठीक है ना। बट अगर आप जॉर्डन पास ले लेते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि जॉर्डन पास के अंदर आपका जॉर्डन का वीजा प्लस 40 टूरिस्ट अट्रैक्शन की एंट्री बिल्कुल आपको मिल जाती है फ्री, जस्ट आपको पे करना होता है। ये तो ये इसमें ये एक बंडल की तरह उन्होंने बना रखा है उनकी जॉर्डन गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए, तो उससे क्या होता है कि हैसल फ्री एंट्रीज हो जाती है सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो आपको घूमनी है। और जो जॉर्डन पास आता है ये तीन तरीके का टाइप का होता है, जॉर्डन वंडरर जो पहला पास है जिसके जिसकी जो कीमत है वो 40 जॉर्डेनियन है, जिसके अंदर वन डे आपको मिलेगा विजिट पेट्रा करने का, 40 जॉर्डेनियन जितनी भी जगह है वो घूमने फिरने के लिए मिलेगी। और ये जो है मिनिमम जो जॉर्डन के अंदर जो पास है आपको 4 दिन तक रहना पड़ेगा, ये इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। और जो सेकंड जो पास आता है जॉर्डन एक्सप्लोरर का वो 75 जॉर्डेनियन का होता है, जिसके अंदर पेट्रा के अंदर आपको 2 दिन मिलते हैं 1 दिन की जगह, बाकी चीजें सब कुछ सेम है। और जो तीसरा है वो जॉर्डन एक्सपर्ट है जो 80 जॉर्डेनियन का आता है, जिसके अंदर पेट्रा के अंदर आपको 3 दिन मिलते हैं एक्सप्लोर करने के। तो आप इनमें से कोई भी एक जॉर्डन पास ले सकते हैं अपनी विजिट के हिसाब से। आप बेसिकली सारी तीनों में सब कुछ चीजें सेम है, बस नंबर ऑफ डेज ऑफ द पेट्रा वो ही डिफरेंट करती है। तो अगर आप पेट्रा 1 दिन में घूमना चाहते हैं, 2 दिन में घूमना चाहते हैं, 3 दिन में घूमना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से 1 दिन इज मोर देन सफिशियंट फॉर पेट्रा, तो आप जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है विच इज 70 जॉर्डन का वो ले ले, वो उससे क्या होगा आप आराम से 1 दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिर उसके बाद वादी चले जाए, वादी भी आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसी जो भी सारी जगह है आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और काफी वहां पे म्यूजियम्स है, काफी ऐसी टूरिस्ट स्पॉट्स है जो आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये चीज को अपने वीडियो में इंक्लूड किया। जो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और यूट्यूबर भी है, वो लोग जब गए थे जॉर्डन तो उन्होंने क्या किया था, जॉर्डन पास ले लिया था, और उनका जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अमेजिंग था, और उन्हें कोई भी हैसल नहीं करना पड़ा और किसी भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा कहीं पर टिकट लेने के लिए, बिकॉज कई बार क्या होता है टिकट्स की लाइन लंबी लंबी लगी रहती है। और इस जॉर्डन पास में काफी सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं आपको। तो मुझे लगा कि अगर आप लोग जा रहे हैं तो पहले से ही जॉर्डन पास ले लें, जिसमें कि आपको कोई इशू ना आए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं कि कोई से जॉर्डन की रोड ट्रिप के लिए, तो डेफिनेटली मुझे बताएं, और अगर कुछ पॉइंट मिस हो गए होंगे तो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। और कमेंट करके बताएं कि अगर आपका कोई और क्वेश्चन है रिलेटेड टू जॉर्डन ट्रैवल, और जॉर्डन में वीजा कैसे लेना है, कहां पर रहना है, क्या क्या घूमना है, और अगर आप चाहते हैं कि 5 डेज 7 डेज की आइटिनरी की जॉर्डन में आप 5 से 7 दिन कहां रह सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कहां कहां रह सकते हैं, किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। उसके ऊपर भी जबरदस्त डेलिकेट वीडियो आपके लिए लेके आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, साथ साथ कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें। जो लोग दीवाने हैं रोड ट्रिप के लिए उनको शेयर करें, जिससे कि वो जो लोग प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर में किसी बढ़िया लंबी रोड ट्रिप के लिए, वो लोग जा पाए। सो और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी जो वीडियो थी यूएस और कनाडा की नहीं देखी, वहां पर भी मैंने जबरदस्त रोड ट्रिप करी थी और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और मुझे और दिव्या को गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिले इस तरीके की रोड ट्रिप करें और आपके लिए अमेजिंग वीडियो लेके आए। तो एक बार मैं आखिरी में दोबारा आपसे बोलना चाहता हूं कि हम लोगों ने कुवैत टू बहरीन की रोड ट्रिप करी है, उसका पूरा एक्सपीरियंस के लिए वीडियोस बना रखे है। कुवैत टू दुबई करी है, उसके भी एक्सपीरियंस मैंने बना रखे है। और अब मैंने यूएस में भी रोड ट्रिप करी है, कनाडा में भी करी है, उसकी भी वीडियोस बना रखी है। तो डेफिनेटली उसको देखें, और आने वाले टाइम पे कोशिश करेंगे कि जॉर्डन की भी एक रोड ट्रिप की जाए और उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो अब ये वीडियो ही खत्म करते हैं, बाय।